सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग लीन ऑन व्हील्स। तो भाई, अभी रिसेंटली मैंने अपनी R5 वर्जन 4 के लिए कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे जो कि आज मुझे डिलीवर हुए हैं। तो हियर इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है बैंडीडोस पिट स्टॉप वेबसाइट से एंड ऑलरेडी मैंने इसे अनबॉक्स कर रखा है, तो अभी आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्या है। तो भाई, ये है अपने कार्बन फाइबर फिनिश मेटल लीवर गार्ड एंड दी सेकेंड वन प्रोडक्ट इज RCB डायमंड ग्रिप। इन दोनों ही प्रोडक्ट को आज हम अपनी R5 वर्जन 4 में इंस्टॉल करने वाले हैं, जो मेटल फिनिश कार्बन फाइबर लीवर है। इसकी क्वालिटी देखो, एंड ये इसके आगे लगेगा। ये मैंने ब्लू कलर का मंगाया है। सबसे पहले हम अपनी बाइक में ग्रिप इंस्टॉल करेंगे। लेफ्ट वाली तो जो है कि इजी है, मतलब सीधा हमें अपने नट को निकालना है और ग्रिप, और शायद जो राइट वाली है जिसमें अपनी जो रेस की वायर है, शायद वाली ग्रिप हमें स्ट्रोक वाली कट करनी पड़े। तो देखते हैं। ग्रिप चेंज करने का एक रीजन ये भी है कि जो अपनी स्ट्रोक ग्रिप है वो एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी, तो एक मेन रीजन ये भी है, और दूसरा जो है कि इनकी लुक्स। तो भाई, काफ़ी मुश्किल का काम है। तो ये तो लेफ्ट साइड की थी, ये इतनी मुश्किल से निकली है, राइट साइड में देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो भाई, अगर आप भी अपनी बाइक की ग्रिप चेंज करना चाहते हो तो पहले आप यहाँ पे टेप से कवर कर लो या फिर कोई कपड़े की मदद से, क्योंकि जब ये आप ये वाला स्क्रू खोलोगे ये मूवमेंट करता है, और जिस अगर आप कुछ लगाओगे नहीं तो इस पर स्क्रैच आ जाएंगे। तो भाई, राइट साइड वाली अपनी जो ग्रिप है वो हमें कट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो निकल नहीं पा रही है। और अभी राइट साइड वाली ग्रिप को निकालते हुए हमने एक चीज़ नोटिस करी जो कि सर्विस सेंटर वालों ने की है, मतलब दिखाता हूँ पहले आपको। तो भाई, क्या कहते हैं, हम अपनी एक ग्रिप निकाल रहे थे, जैसे हमने लेफ्ट वाली निकाली थी सीधा खींच के, तो जैसे हम इस ग्रिप को खींच रहे हैं देखो, पूरा हैंडल ही, मतलब ये जो माउंट है इसका, ये भी खींच के आ रहा है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये लॉक टूट गया होगा, लेकिन वो सर्विस सेंटर वाले इतने तेज होते हैं, उन्होंने ये पूरी गाड़ी का मतलब जो जो पार्ट था चेंज कर दिया क्लेम में। बट एक छोटा सा अगर इसका लॉक टूटा है भाई, इसे भी चेंज कर देते, बट उन्हें लगा नहीं यार वो कहाँ खोलेंगे, वो तो ऐसी ही है ये वो, उन्हें नहीं पता हम पूरी गाड़ी खोल के बैठे हैं घर में। नहीं तो भाई, जो अपनी राइट वाली ग्रिप है वो हमने निकाल दी है, एंड ये सीधी तरीके से इसलिए नहीं निकल पा रही थी क्योंकि ये जो देख रहे हो ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं इसके ऊपर, ये एक लॉक होते हैं, ये देखो रबड़ में भी देखो, ये इसके ऊपर लॉक होती है ताकि जो हम एक्सेलरेट करते हैं बाइक को तो फ्री ना हो, उस पर चिपकी रहे, इस वजह से राइट साइड में लॉक दिया जाता है। और जैसे कि ये देखो लेफ्ट वाला देखो बिल्कुल प्लेन है। तो अब बारी है अपनी RCB ग्रिप्स की। भाई, आप भी अगर लीवर गार्ड लगाओ तो इसका ही लगाना,
खाली लीवर गार्ड को ऐसे मत लगा देना कि खाली गैस के अंदर लगाया और हैंडल टाइट कर दिया, कुछ फायदा नहीं है इससे, ज्यादा दिन चलेंगे भी नहीं, काफी ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी, लगाने के भी ऐसे लगेंगे भी नहीं। और दूसरा ये बहुत जरूरी है लगाना इसलिए भी क्योंकि ये इसमें वेट है, ये ऐसे हैंडल वेट बार वो छोटे से होते हैं, उसके अंदर इतनी बड़ी रोड लगी होती है कि जिससे गाड़ी हाई स्पीड पे वाइब्रेशन ना आए। हैंडल वाइब्रेशन के लिए कंपनी देती है कि जिससे हैंडल पे वाइब्रेशन कम हो, हैंडल पे वेट रहे। अगर आपको पता ना हो बुलेट का है, बुलेट का इतना हैवी इंजन है, इतनी वाइब्रेशन करती है, तो बुलेट अपने मिरर्स के अंदर लोहा सा रख के देती है मिरर्स के अंदर, जिसके मिरर्स जो गाड़ी वाइब्रेट करे तो हिल से यूं हिले ना। तो बेसिकली अपने को जो है जो इसकी स्टॉक हैंडल वेट बार है इसी के साथ ही अपना लीवर गार्ड अटैच करना है। तो अपना जो इस रोड को निकालने का मेन मोटिव था वो यही था कि भाई हम अपने लीवर गार्ड को इसमें अटैच कर दें। अब सेम एज इट इज़ जैसे रोड लगी हुई थी एज इट इज़ ये हैंडल के अंदर लग जाएगी जैसे पहले लगी हुई थी और अपने लीवर गार्ड इसमें अटैच हो गए। और ये करना भाई कंपलसरी है, बिना इस रोड के मत लगाना, हैंडल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाएगी बिना इसके लगा हुए। तो लीवर गार्ड लगाने के लिए आपको सबसे पहले वेट बार लगाना पड़ेगा, ये और ये वेट बार भी तभी लगेगा, इसे रिमूव करना पड़ेगा आपको। ये इसलिए होती है, ये आपके वेट बार को यहाँ पे लॉक कर देती है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसाती, यहीं पे लॉक कर देती है। बट जब हम इसमें अपने लीवर गार्ड अटैच करेंगे तो अपने को थोड़ा ज़्यादा अंदर पुश करना पड़ेगा इस वेट बार को, तभी आपका वेट बार लग पाएगा। तो फाइनली भाई इतनी सारी मुसीबतों के बाद अपने दोनों लीवर गार्ड लग गए। पहले लग रहा था स्टार्टिंग में कि लेफ्ट वाला नहीं लग पाएगा, फिर जब लेफ्ट वाला लगा तो ऐसा लगा कि राइट वाला नहीं लग पाएगा, एक ही लगा के चलानी पड़ेगी। क्योंकि भाई मतलब R15 में ना ये जो उसमें वेट बार दे रखा है इतना बड़ा, इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। उसे पहले तो बाहर निकालने में इतनी प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद उसमें उसे अटैच करके अंदर से उसका लॉक हटाओ, ये सब करो। इससे पहले मेरे पास NS थी, मैंने उसमें लगाया था, उसमें सिंपल था, उसका वेट बार हटाओ और सीधा लीवर गार्ड इंस्टॉल कर दो। तो अभी मैं आपको लीवर गार्ड की लुक दिखाता हूँ। तो बैक से लुक देखो, बैक से कुछ ऐसी लुक आ रही है। पहले लीवर गार्ड की लुक देखो, RCB की जो ग्रिप इंस्टॉल करी है उनकी लुक देखो, जो ये ग्रिप है इन्हें थोड़ा सा हमने कट किया है, पील ऑफ किया है, क्योंकि अपनी जो ये लीवर गार्ड टाइट करते समय जो रेस है स्टक हो रही थी एक ही जगह पे, इस वजह से। तो मैंने तो ग्रिप चेंज करी है तो हो सकता है इस वजह से मेरे को ये पील ऑफ करना पड़ा, और हो सकता है स्टॉक जो ग्रिप है उसमें ऐसा ना हो, और मे भी हो सकता है ऐसा हो तो आपको करना पड़ेगा ये चीज़ अगर आप लीवर गार्ड इंस्टॉल करते हो तो। टाइट करने के बाद ही बताऊंगा इस ग्रिप का एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब सेम स्टॉक जैसा है या स्टॉक से बेटर है या नहीं है, या बस लुक के लिए है। साइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर बात करूँ उसकी कॉस्टिंग की, दोनों की मेरे को कॉस्टिंग आई थी 709 रुपीज़, जिसमें कि 130 रुपीज़ मेरा शिपिंग चार्ज लगा था। और अगर आप अपनी R15 version 3 या version 4 में लीवर गार्ड इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। और वेट लगा के इंस्टॉल करना अगर कर रहे हो तो, क्योंकि फिर अगर वेट हटा के इंस्टॉल कर दोगे तो आगे जाके हैंडल पे वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, या हो सकता है कि लीवर गार्ड गिर भी जाए, क्योंकि वो उस वेट से ही सही तरीके से लगेगा। और साथ ही अपनी R15 V3 में हमने फ्रंट में कार्बन फाइबर करवाई थी, अभी थोड़ी सी गंदी हो रही है, माइंड मत करना बाइक। तो फ्रंट लुक देखो R15 V3 का, और अभी प्लान कर रहा है राहुल इसमें यहाँ पे फ्रंट में DRL इंस्टॉल करने की। तो बाकी इसकी जो अगर वीडियो वगैरह होगी वो डाउनशिफ्ट पे ही आएगी, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो डाउनशिफ्ट को सब्सक्राइब कर लेना। और बैक लुक कुछ ऐसी लग रही है, अभी मैं इसके दोनों रियर फुटरेस्ट भी हटाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।